बोलिए भैया, पीछे वाले के हाथ में आए तो है तो यहाँ पर आत्मदेव की पत्नी धुंधली फल को लेकर के विचार कर रही है कि फल को मैं खा लूंगी तो मेरे साथ में क्या क्या होगा। सुनिए, जब गांव में आग लग जाएगी पूरा गांव भर जाएगा, मैं डर जाऊंगी, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। चोर आ गए तो पूरा गांव भर जाएगा, मैं रह जाऊंगी। कितनी सुंदर सोच है आप, ना मैं कुछ खट्टा खा सकती ना मीठा है, सब बंद तीखा मेरा, तभी इससे रहना पड़ेगा, बड़े बड़े नियम करने पड़ेंगे हैं, और इतना बोझ लेकर के मैं कैसे चल पाऊंगी। और तो और, जो मेरी ननद रानी आएगी वो मेरे घर के सारे सामान को ले जाएगी, ऐसा ही होता है सोचते हैं माता मैया यो कर लिया। हाँ ऐसे ही है भैया के संग में, ऐसे ही है उनका है। बड़ी छोटी सोच रही है धुंधली, बड़े बड़े विचार उसके हृदय में आ रहे हैं। अब फल को लेकर के बैठी है, उसकी बहन आती, बहन कहती है अरे तू क्या सोच रही है, क्या कष्ट है तुझे, बता मुझे। अब बहन से कह रही है बहन देखो ब्राह्मण ये फल लेकर के आए हैं, अब बता तू ही बता, फल से कई पुत्र होते हैं, फल से यदि पुत्र हो जाते तो पूरी दुनिया फंसी कर लेती। बड़े महाराज अद्भुत बात, ये तो ठाकुर की कृपा होती है, जल संतान को प्राप्त होता है। अब तो यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली फल को लेकर के अपनी बहन से विचार कर रही है, तू ही बता मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, अब तू मुझे जो बताएगी वही मैं करूँगी। बहन कहती है सुन, तू इस फल को खिला दे गैया को, तेरे यहाँ जो गाय है उसको कोई संतान नहीं है, उससे ये पता लग जाएगा कि संत का प्रसाद सत्य है कि असत्य है। और तुझे जो पुत्र चाहिए वो पुत्र मैं दूंगी, मेरे यहाँ कई पुत्र हैं, एक पुत्र मैं तुझे दे दूंगी। तू 5-6 महीने तक खाना लगा करके पेट से कुछ भी और भोजन, और मैं पुत्र ला करके दे दूंगी। तू मेरे पति को धन दे देना, क्योंकि मेरे पति जो है वो धन के लोभी, लोभी आदमी, लोभी महाराज बड़े विचित्र होते हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोभी होते हैं। एक भक्तराज कथा में आए, एक भगत भरत जी कथा में आए 1 रुपया लेकर के जेब में। अब उन्होंने हाथ में 1 रुपया निकाल करके कथा में बैठ गए, सब चढ़ा रहे थे भक्त लोग, उनके हृदय में भी भाव आया, हाँ 1 रुपया मैं भी चढ़ा देता हूँ कोई बात नहीं। तो हाथ में 1 रुपया को लेकर के बहुत देर से बैठे थे कि मैं भी जाऊँ मैं भी जाऊँ मैं भी जाऊँ। अब जैसे ही उनका नंबर आया वो पास में पहुंचे ठाकुर जी के, तो क्या हुआ, हाथ में जो 1 रुपया लगा था एक बार खोल करके जब देखा कि अरे तू तो रो रहा है मुझे छोड़ करके है, चिंता मत कर मैं नहीं छोड़ रहा हूँ तुझे दे मैं। अरे जब हाथ में 1 रुपया रखा था तो पसीना से गीला हो गया वो तो पसीज के। सेठ जी कह रहे अरे तू मेरी प्रयोग में रो रहा है, मुझसे अलग होने में रो रहा है, चिंता मत कर नहीं करता हूँ, हो गया था। बड़े विचित्र लोग ही होते हैं महाराज। तो यहाँ पर धुंधली ने ऐसा ही किया, फल को गाय को खिला दिया। उस समय के बाद और यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण तो बाहर चले जाते हैं धन कमाने के लिए,
और धुंधली पेट से बांध बूंद करके कपड़े अपने बहाने लगा करके और कमरे में ही बंद रहती। 9 महीने जब पूरे हो गए तो उसकी बहन ने पुत्र ला करके, एक संतान ला करके उसे दे दिया और धन ले करके अपने पति को दे दिया। और उसके पश्चात महाराज, भैया राधे श्याम, अरे भैया राधे श्याम, हाँ मुक्ति है ही भैया की, बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर धुंधली को जब संतान मिल गई और उसने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए महाराज कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, संतान हो गई। और महाराज क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण ने ऋषि महात्माओं गुरुजनों को बुला करके अपने पुत्र का नामकरण करवाया। उसी समय धुंधली आकर के कहती है, नहीं 9 महीने कष्ट मैंने झेले हैं, मैंने इसको जन्म दिया है, का नाम मैं ही रख लू। रखो कोई बात नहीं है, रख लो भाई, ब्राह्मण तो संतोषी थे। अरे हमें तो अपना वंश कराना था, नाम से क्या होता है, रख लो तो ठीक है। मेरा नाम धुंधली है और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम होगा, धुंधकारी। आत्मदेव ब्राह्मण चुप रह गए, क्या करें, गृह मंत्रालय से तो चलती नहीं, किसी की नहीं चलती महाराज, है क्यों किसी की नहीं चलती, नहीं चलती है महाराज। संसार में सबसे लड़ लेंगे, परंतु घर में जाकर के जैसे ही गृह मंत्री के सामने गए तो क्या होता है, क्या होता है, है? हालत खराब हो जाती है महाराज, पूछिए मत। अच्छा बड़ी बड़ी हालत खराब हो जाती है महाराज। एक बात सुनाते हैं, एक जरका की नाम शेर सिंह, एक जरका की नाम शेर सिंह और महाराज दुनिया कहती है हाँ शेर सिंह जा रहे हैं, क्या बात है। और जैसे ही घर पे गए, घर जाकर के क्या होता है, शेर जी के संग में सिरा वाली गवार हो जाती है, खराब हो जाता है, मुझे नीचे को लटक जाती है। तो यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण जी अपने हृदय को मना करके रहेंगे। फिर कुछ समय के बाद आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ गौ के भी एक पुत्र हुआ, जिनके कान बड़े बड़े गौ जैसे। तो यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण ने उनका नाम गोकरण रखा, क्योंकि गौ से जन्म था और उनके कान गौ जैसे थे, तो उनका नाम गोकरण, करण माने कान, नाम रखा। अब तो महाराज जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए दोनों, यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम वैसे गुण आने लगे। धुंधकारी महाराज तो धुंधकारी हो गए वो तो। फिर तो यमुना किनारे जाते, नदी सरोवर के किनारे जाते, छोटे छोटे कथाओं को साथ में लेकर के वहीं ढकेल कर खत्म हो गए काम। और गोकर्ण जी महाराज जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो अपने अध्ययन में समय को ज्यादा व्यतीत करते, प्रभु का भजन करते, आत्मदेव ब्राह्मण के पास में बड़ी बड़ी शिकायत आने लगी गांव वालों की कि महाराज तुम्हारा जो पुत्र है बड़े उत्पात करता है,
हमारे पुत्रों को ले जाता है, मारता है, पीटता है और कुएं में ढकेल के आ जाता है। बड़े परेशान आत्मदेव ब्राह्मण क्या करें। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? अरे ये पूरे गांव के बच्चों को परेशान करता है, सब गांव वाले आकर के मुझे शिकायत करते हैं, तुमने अपने इस पुत्र को क्या संस्कार दे रही हो? अरे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण जैसे इसके अंदर एक भी लक्षण नहीं, सिखाओ इसे। अब पत्नी की कह रही है, तुम चुप रहो, बोलोगे नहीं, मेरा पुत्र है, जो करेगा वो करेगा। वाह, तभी तो कहा है कि संतान के पहले गुरु होते हैं माता पिता, होते भी नहीं। अरे ना थोड़ी मिलाने के लिए बोल रहा हूँ, कहने के लिए बोल रहा हूँ, होते हैं। सब हाथ उठा के बताओ। अच्छा, होते हैं, ठीक है। तो अपने पुत्रों को संस्कार देने का दायित्व तो माता पिता का बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना पहले। अरे बाहर से तो बाद में सीखेगा, पहले माता पिता ही सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए, अपने बड़ों के साथ में व्यवहार ऐसा करना चाहिए। आजकल तो महाराज जैसे ही पुत्र बड़ा हुआ डाल देते हैं हॉस्टल में, पहले से ही अपने पास नहीं रहने का, वही दूर और दूर रहते रहते वो इतने दूर हो जाते हैं संस्कारों से कि माता पिताओं को अंत में वो तो हॉस्टल में करते हैं, वो वृद्ध आश्रम में पहुंचा देते हैं। पहुंचाते कि नहीं? क्या दीदी होता है ये तो महाराज, जैसे तुम करोगे वैसे भोगोगे। तो उन्हें हॉस्टल में पहुंचाते हैं उनके बचपन में और वो तुम्हें बुढ़ापे में महा कहा वृद्ध आश्रम में पहुंचाते हैं। बड़ी अद्भुत लीला है। और महाराज जवानी जाकर के नहीं आती और बुढ़ापा आकर के नहीं जाता, क्यों? सही बात है विभूति, बचपन आकर के नहीं आता, बचपन जाकर के नहीं आता और बुढ़ापा आकर के नहीं जाता। बुढ़ापा जब एक बार आ जाता है तो फिर जवानी आती है कि नहीं आती है? नहीं आती, बूढ़े ही हो जाते महाराज, फिर तो धीरे धीरे घोटू भी काम करना छोड़ देते, दांत भी गिर जाते हैं, आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, सब धीरे धीरे जैसे बचपन में आते हैं वैसे धीरे धीरे चले जाते। तुम्हारा अपने पुत्रों को अपने पास में रख के ही संस्कार देने चाहिए कि बेटा अपने बड़ों का सम्मान तुम करोगे तभी तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। तो यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी अपने पुत्र से, बड़े उत्पाद करता महाराज, पूरे गांव भर की शिकायत नित्य नई रोज रोज आती, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, सारा धन लुटा दिया। अब तो महाराज जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो चोरी भी करने लगा और घर में जितना धन था उन सारे धनों को लेकर के वैश्यों के पास भी जाने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण ने बड़े दुखी हुए। एक बात होती है यहाँ, पूत कपूत तो कहा धन संचय और पूत कपूत तो कहा धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो माता पिता को धन जोड़ने की जरूरत नहीं महाराज, इसके लिए वो स्वयं कमा लेगा और इतना कमा लेगा कि तुमको भी बिठा के खिला देगा। और यदि पुत्र कपुत्र हो जाए तो महाराज खूब हवेली भर के रख लेना, खूब तिजोरियों में ताले लगा कर रख लेना, सारे ताले तोड़ करके ले जाएगा।
और अंत में धन ले भी जाए, धन भी ले जाएगा और तुम्हारा जो मन है ना वो भी दुखी कर। जितना धन तुम मेहनत से कमाओगे ना, उस सारे धन को ले जाएगा। खत्म। तो पुत्र के अंदर संस्कार बचपन से ही माता पिता देते। तो यहाँ पर धनकाली घर का सारा धन लेकर के अपने वैश्याओं के पास में जाकर के लुटा दिया था। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, रात्रि में बैठ कर के रोने लगे कि महाराज अब मैं क्या करूं। जब रो रहे थे रात्रि में, गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं और उनका हृदय बड़ा दुखी है, क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता के पास में आए और पिताजी को धैर्य बढ़ाने लगे। ये उन्हीं संत के प्रसाद हैं। पहले संत ने आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया कि मत पड़ो वो माया के चक्कर में। आत्मदेव ब्राह्मण ने जब नहीं माना, आज जब फिर दुखी हुए, तो आज फिर संत के जो प्रसाद गोकर्ण जी है फिर समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असारो खल संसारो दुख रूपी विमोह का। हे पिताजी, असार इसमें कोई सार नहीं। असारो खल संसार जिसमें खली खल है, दुष्ट ही दुष्ट है, सार नहीं। ऐसे संसार में तुम सार देख रहे हो, व्यर्थ देखा। अरे तुमने उस समय जब तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, जब बड़े दुखी थे, बाबूजी दादे बड़े दुखी थे, और जब आज तुम्हारे यहाँ संतान है तो उससे भी ज्यादा दुखी है। कहते हैं न भगवान, पुत्र दे तो सुपुत्र दे, मर जाए माँ के कूख में ही यदि ऐसा सुपुत्र हो। भगवान परमात्मा भगवान से कहते हैं ना, भगवान कैसा भी दे दो हो नाम चलाने वाला है। पुत्रों से किसी का नाम नहीं चलता महाराज। ये सोच हो कि पुत्र हमारा नाम चलाए, किसी का कोई नाम नहीं चलाता। यदि कहीं पुत्र कुपुत्र हो जाए तो पिता का नाम बना करके रख देता है। होता है कि नहीं, बोलिए ना। ध्रुव पहराज इनके पिताओं ने नाम चलाया था कि नहीं चलाया। स्वयं अपना नाम अपने आप से बनता है, नाम ही नामी की पहचान कराता है। महाराज जिसका नाम होता है ना वही नाम कराता है। पुत्रों से किसी का नाम नहीं चलता कि हमारा नाम चले। पुत्र यदि पुत्र हो जाता है तो और ज्यादा पीढ़ी दुखी होती है। जो हमारे पुत्र होते हैं वो और ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि पितरों को भोग प्रसाद नहीं मिलता, बड़े दुखी होते हैं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी ये संसार जो है बेकार है और इसमें कोई सार नहीं। यदि सार है, ये संसार स्वप्नवत है। इस संसार में जो भी हो रहा है ये एक सपना है। सपना भैया क्या है? सपना। ये संसार स्वप्नवत है, इसके अंदर उन्नति अवनति सब धोखा है। ये संसार एक सपना है। सपना माने सपना जिसकी कोई कल्पना नहीं, बेकार। और उसके अंदर हमारी उन्नति हो जाना, अवनति हो जाना, गिर जाना नीचे को, ये सब सपने की बातें हैं।
सपने का राजा रंक होना। यदि सपने में हम राजा हो जाए और तो अन होना क्या है? यदि सपने में हम राजा हो जाए और हमारा एक भिखारी वो राजा हो जाए तो भला हो सकता है सर? नहीं। सपने का राजा रंक होना अन होना मिथ्या है, जीवों की यही अवस्था है। प्यारे, इस संसार में जो जीव है ना, सब हम आप सब जीवों की यही अवस्था है। बस घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में जो हो रहा है ये सब सपनों की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं। कौन जगते हैं पता है? इन रातों में कौन जगते हैं? योगी। योगी कौन होते हैं? जो अपनी आत्माओं से होते हैं, जिनकी आत्मा योगी होती है। वही नहीं जो चोला पहन लिया वही योगी हो, जिनकी आत्मा योगी है वही योगी होते हैं, जिनकी आत्मा योगी है। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। क्या वो जगते हैं जिन पर कृपा राम की होती है? या रातों में तो वही जगता है जिस पर ठाकुर की कृपा हो, बाकी बिहारी की कृपा हो, अन्यथा सब ऐसे गो माया में फंसे हुए हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, तुम्हारी क्या है? तुम्हारी तो आत्मा भी नहीं है, है? अब इनसे पूछा जाए जिस शरीर से तुम प्रेम कर रहे हो कि ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, हाथ में चोट लग जाती है महाराज हाथ ही कट जाता है, अब बताओ हाथ कहाँ गया तुम्हारा? कहाँ गया हाथ? तुम कहते थे मेरा है हाथ, हाथ कहाँ है तुम्हारा? पता लगा? नहीं। पत्नी, ये पत्नी मेरी है, पत्नी छोड़ करके चली जाती है महाराज, कहाँ गई तुम्हारी पत्नी? तुम तो कहते थे कि मेरी है, ये मेरी मेरी मेरी, ये मेरी नहीं दिया, ये तो सब ठाकुर की है, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, हम ठाकुर को वस्तु भी चलाते हैं ना, तो वो वस्तु हमारी नहीं है, ठाकुर की है सब। यदि हम ठाकुर के लिए वस्त्र लेकर के आते हैं, पैसे से लाते हैं, है ना? पैसा कहाँ से आया? ठाकुर ने दिया। कोई कहता है कर्म किया, तो कर्म करने की प्रेरणा कौन ने दी? ठाकुर ने दी। फूल भी चढ़ाते हैं तो ठाकुर के ही प्रकृति के फूल हैं। जो हम फूल चढ़ाते हैं पूजा में, तो वो फूल भी तो ठाकुर की प्रकृति की ही है। ठाकुर की इच्छा से ही तो बड़ा हुआ पेड़, ठाकुर की इच्छा से ही तो फल आया, उसमें फूल आए, हैं? तो सब ठाकुर की ही चीज है। ठाकुर की चीज को ठाकुर को ही देकर के कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं हम? प्रेम से बोले विराजे, ठाकुर की चीज को ठाकुर को ही देकर के हम बना रहे हैं। अच्छा थोड़ी, हाँ ठाकुर लेते हैं, क्या लेते हैं पता है? चीज को नहीं लेते ठाकुर जी, ना वस्त्र को लेते तुम्हारे को, खाली तुम्हारा जो भाव है उस चीज के अंदर उस भाव को स्वीकार करते हैं। क्या लेते हैं ठाकुर जी? भाव। वस्त्र तो सब ठाकुर की है। हाँ बाबू जी, वस्तु कौन की है? है? कौन की है? भगवान की है। ठीक है, पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी भली प्रकार से समझा रहे थे, पिताजी ये संसार बेकार है, मैं कुछ भी सार नहीं, यदि सार है तो भगवान का भजन ही है। ये तन भी हमारा जो है ना, ये भी बेकार है,
ये तन क्या है, ये हमारा तन क्या है, ये तन क्या है, एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। हरी हरी बोल,
हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि अपने काम के लिए ठाकुर से क्या कहेंगे पता है? कि हे महाराज, मेरा फलाना काम हो जाए, मैं इतने का भोग लगाऊंगा, आपकी पोशाक चढ़ाऊंगा, आपके फूलों का बंगला बनाऊंगा, आपका मंदिर बनवाऊंगा और आपको बिठाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। तो ठाकुर से क्या कहते हैं, सौदा ही तो कर रहे हैं भाई, क्यों भाई जी सौदा हो रहा है ना ठाकुर से, ठाकुर मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो भैया इतने प्रेम का रहा है, इसमें तो सौदा हो गया, सौदा कर रहे हैं ठाकुर से। हाँ ये कहिए कि हे ठाकुर, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये दुख दूर कर दो, यदि आपके चरणों की कृपा रही, आपका आशीर्वाद रहा, तो मेरी हृदय की ये भाव है कि मैं जब मैं आपकी कुछ काम करने योग्य नहीं, क्यों मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ यदि आपकी कृपा रही और आपका आशीर्वाद रहा तो ये काम अवश्य आप करा लेना, आप करा लेना, ये भी नहीं कि मैं कर लू, आप ही कराना महाराज, अपनी इतनी का अवकाश कि ठाकुर से दे, ठाकुर का काम करें।
महाराज यहाँ कथा पंडाल में जो भी भक्त बैठे हैं ना, ये कितने भी इतनी शक्ति नहीं कि बेचारे यहाँ तक आ सके। ठाकुर की कृपा है इनके ऊपर, वही लोग आते हैं, हैं? उसी के लिए अभी तो दुनिया में कितने लोग हैं। सब मेरे ठाकुर की, हमारे ठाकुर की जिस पे कृपा होती है प्यारे, इस पंडाल में वही आकर के बैठता है, हैं? अन्यथा कोई और नहीं। तो यहाँ गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संसार में लोग कहते हैं, कोई कहता है कि सोने के महल बनवाएंगे हम, कोई कहता है कि कांच शाही बन जाएंगे हम, मगर ये नहीं जानते कि इस जीवन की क्या औकात है, चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। चार दिन की रात है भैया, फिर तो अंधेरा ही अंधेरा। फिर तो घर वाले भी कहते हैं ले जाओ, बॉडी खराब हो गई है और तुम मारी ले जाओ, कोई मतलब क्या नहीं, सही है कि नहीं? वही पत्नी जितना प्रेम करती थी, वही पुत्र। महाराज पुत्र की बात करो तो पुत्र की बात से याद आती है, जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो पुत्र कागजों में पिता का नाम कटवा करके अपना नाम करवाते हैं, होता है कि नहीं? तो यहाँ पर कहा बेकार है, कोई सार नहीं है संसार में। कहा जब इतना ज्ञान गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को दिया, आत्मदेव के आंखों से मोह का पर्दा हट गया कि यही बात उन संत जी ने मुझे कही थी, पर उस समय मेरी समझ में नहीं आई। यदि इस बात को मैं पहले ही मान लेता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, तो मैं क्या करूं? अब तो पुत्र के चरणों में गिर करके गोकर्ण जी की आत्मदेव ब्राह्मण और कहने लगे बेटा अब तू ही मुझे बता कि मैं अपना अंत समय कैसे सुधार लूं। आत्मदेव ब्राह्मण की बात को सुन करके गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आपके पास गए हैं, क्या करूं? आप जाइए दल में जाकर के सबसे मोह छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मोह ही संसार में फंसाता है, ये जो मोह है हमारा, ये मोह ही अवधि मोह जो होता है संसार में फंसाता है ना, फंसाता है। हाँ फंसाता है ये मोह संसार में फंसाता है और प्रेम संसार से बसाता है, हटाता है, जिसमें मोह तमोगुण है और प्रेम निर्गुण है। मोह एक अंधकार है और प्रेम एक जलता हुआ सूर्य है। ठाकुर की यदि प्रेम है प्यारे ठाकुर की प्रति, तो ये संसार ये जीवन भी धन है। ये कहते महाराज गृहस्थी में वजन नहीं होता, अरे प्यारे गृहस्थी में ही तो ठाकुर सबसे पहले दिखते हैं। क्यों? कि जो परिस्थितियों को छोड़ करके साधु बन गया, उनकी बात तो छोड़ो, परिस्थितियों को झेलते हुए फिर भी ठाकुर की याद है, ठाकुर उसके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? इतना भार होता है ये अपनी परेशानियों पर, उसमें ठाकुर का विजन वृत्ति में ठाकुर जी जल्दी लिखते हैं। लीला जी हाँ हाँ परिवार में ही थी ना, वृत्ति जी बलि प्रकाश से जानते हो ना नरसी जी को आप? महाराज आपके यहाँ तो शेख सावरका है। हाँ कौन है? शेख सावरका।
जब नसी के ऊपर कैसे कैसे कसाई भक्ति के ऊपर, तो कष्टों को दूर किया। और महाराज हाथ भरने का जब समय आया, भूतों ना भर है ना, आज तक किसी ने इतना दिया है और ना आगे कोई दे सकता, दे सकते हो हाँ नहीं ना, अपने राम कितनी कह सकते, परंतु हाँ दे सकते हैं यदि वो ठाकुर हमारे ऊपर कृपा कर दे तो आज भी दे सकते हैं। और ये तो बात यदि सत्य होगी, प्यारे जब ठाकुर से दिल का दिल मिला हो, तारों से तार मिला हो ठाकुर से, जरा तारों से तार मिलाकर तो देख ठाकुर आते हैं कि नहीं। जो प्रेम हम संसार से करते हैं, नरसी जैसा प्रेम यदि ठाकुर के भरोसे पे करें ना, तो हमारा आदमी कोई काम नहीं देता। थोड़ी देर के लिए परेशानी आती है तो ठाकुर से कहते हैं ना, ठाकुर जी कष्ट हर लो, प्रेम करते हैं सर दुखी मन से, सर दुखताओं में से ठाकुर की याद करते तो दुखता जाती है कि नहीं जाती है। अब जितनी देर के लिए आप ठाकुर को याद करेंगे उतनी देर ही तो कष्ट दूर होगा, फिर नया कष्ट आएगा। ठाकुर को याद छोड़ दोगे तो फिर नया कष्ट। तो यहाँ पर अनेक प्रकार से गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी एक बात कहूँ मैं क्या, नाम चाहे तो दुनिया बता सकता है। ठाकुर का नाम जो है, जो ठाकुर का भजन है ना, नाम चाहे तो नई दुनिया बता सकता है, नाम चाहे ठाकुर का तो इस भार का दंत बदल सकता है। ये जीव ये मनुष्य इतना पाप ही नहीं करता कि नाम को मिटा सकता है, ये जीव इतना पाप नहीं करता महाराज कि ठाकुर के नाम को मिटा दे। ठाकुर का नाम तो ठाकुर से भी बड़ा है, अजादिल की कथा में आएगी बताएंगे कि ठाकुर का नाम ठाकुर से कितना बड़ा है, ठाकुर का नाम ठाकुर से भी बड़ा है। जो ठाकुर से मिलाता है भाई, मिलाने वाला बड़ा होता है कि मिलने वाला, अरे बोला ना, मिलाने वाला। जब मिलाने वाला नहीं होगा तो मिलने वाले से कैसे मिलेंगे हम बताओ। तो ठाकुर का नाम क्या है, ठाकुर से मिलाने वाला। तो बड़ा हुआ कि नहीं, अब हमें मिलाने वाला नहीं होगा तो ऐसे तो हम घूमते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है भैया, है छोकरी सही कह रहा हूँ ना। हाँ तो यहाँ पर ठाकुर का नाम ठाकुर से ही बड़ा है प्यारे। और यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज कहते हैं अब तो एक ही उपाय है, क्या आप घर में चले जाइए, मोह को त्याग दीजिए, ये छोड़ दीजिए कि ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये घर परिवार सब मेरा है, इस मोह को छोड़ करके वन में चले जाइए। बस एक ही याद रखिए कि ये ठाकुर मेरा है, ये नाम ठाकुर का मेरा है और इसी से मेरा कल्याण होगा। बस ये चीज याद रखिए। इस बात को सुन करके गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और महाराज वन में जाकर के खूब भजन करने लगे और दसवें स्कंद का पाठ करके, भागवत जी का जो दसवां स्कंद है ना, ये दसवां स्कंद तो ये समझिए कि ठाकुर का हृदय है। हृदय क्या है, हृदय प्राण। बड़े महाराज दसवां स्कंद जिसमें ठाकुर आनंद कंद श्री वाके बिहारी नंद बाबा यशोदा के यहाँ ब्रज में अवतार लेकर के है कि नहीं, दसवां स्कंद। और जैसे ही दसवां स्कंद आता है तो भक्तों को स्वयं आनंद आने लगता है, आता है कि नहीं। ठाकुर जी जब जन्म लेके आते हैं तो आनंद आता है कि नहीं, आता है ना, तो बोलो ना।
जबरदस्ती मिलवा रहे हैं क्या है? जोर पर रो है प्रेम से बोलेंगे किराले। तो यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण वन में जाकर के दसवें स्कंद का पाठ करके और अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। गोकर्ण जी महाराज घर को भी छोड़ के चले गए। उनके अब पिताजी के इस घर में एक ही धर्मात्मा थे जिनसे हमारी पटती थी, अब वो गए, अब हम भी जाते। तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण जी भी चले गए। अब तो महाराज पीछे धुंधली रह गई, अब तो अपनी माँ को सताने लगा धंधकारी, कहने लगा धन कहाँ है, धन बता दे, यही नौकरी धन बता दे, कहाँ रखो है, सारा धन लेकर के वैश्याओं के पास जा करके लुटा दी। जब सारा धन खत्म हो गया, धंधकारी ने कहा कि अब मुझे धन नहीं देगी तो मैं तेरे प्राणों का हरण कर दूंगा। अब तो धुंधली विचार करने लगी, ये मुझे मार देगा, क्या करूं। तो रात्रि के समय अंधेरे में घर छोड़ करके जब भाग रही थी तो एक अंधेरे कुएं में जाकर के गिर गई और मर गई। अंत गति ऐसे मनुष्यों की ऐसी ही गति होती। और यहाँ धंधकारी अब तो महाराज सिर पे कोई नहीं, परम स्वतंत्र सर पे ना कोई नहीं, परम स्वतंत्र हो गया, तो कोई नहीं है घर में अकेला। अब तो महाराज बड़ी चोरी करके लाए और पांच वैश्याओं को लेकर के अपने घर में ही ला करके रख लिया। पांच पांच वैश्याओं का संग करने लगा धंधकारी। अब तो उनकी उदर पूर्ति के लिए राजा के यहाँ जाता, राजकोट से चोरी करता और चोरी करके लेकर के उन्हें देता। बहुत समय ऐसा प्रतीत हो गया। एक दिन क्या हुआ, पांच वैश्याओं ने विचार किया कि राजा के यहाँ चोरी करने जाता है, किसी ने राजा ने पकड़ लिया, ये तो मरेगा, हमको भी मरवा देगा, क्या करें। क्योंकि अब इतना भी धन इसका इकट्ठा हो गया है, उस धन को लेकर के यहाँ से भाग करते हैं और उसे मार देती है। पांचों ने एक मत बना करके रात्रि के समय जैसे ही धंधकारी आया तो बड़े प्रेम से आहा प्रेम करते करते उसके हाथ पांवों को बांध दिए और यहाँ जलते हुए चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी लेकर के उसके मुंह में थूकने लगे। जलते हुए अंगारे जब उसके मुंह में गए तो उसके तरफ तरफ के प्राण निकलने लगे, तड़पने लगा, फड़फड़ाने लगा, निकल गए प्राण, मर गया। तो कैसी स्थिति हुई होगी, लगता है ना डर। ऐसी मुक्ति जब धंधकारी की हुई कि वो प्रेत योनि में चला गया, क्योंकि अंत में वो तरफ भी मरा तो प्रेत योनि में चला गया। अब यहाँ पर जो पांच वैश्याएं थी, इन वैश्याओं ने उसका सारा धन लेकर के और रात्रि के समय ही सब और उसे घर के अंदर ही गाड़ के कटा। बहुत समय हो गया। गोकर्ण जी महाराज को पता लगा जब तीर्थ यात्रा में थे कि भैया का भी स्वर्गवास हो गया है, माता जी का भी शरीर पूरा हो गया, सब का शरीर पूरा हो गया। तो गोकर्ण जी महाराज ने सबके नाम का पिंड गया जी में दान किया, गया जी ने पिंड दान किया। पिंड दान करने के पश्चात जब लौट करके गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आकर के रात्रि को जब रुके
अब तो यहाँ धनकारी बड़े बड़े उत्पाद करने लगा महाराज, कभी भैंसा बनता, कभी बकरी बनता, कभी भूत, कभी जिंद, नाना प्रकार के रूप बदलते गोकर्ण जी महाराज को बनाने लगे। गोकर्ण जी महाराज विचार करने लगे कि कौन जीव है जो मेरे नजर में बार बार आ रहा है। बहुत देर हो गई तो गोकर्ण जी महाराज ने अपनी अंगड़ी में जल लेकर के धनकारी के ऊपर फेंक के मारे, तो उससे क्या हुआ, उसे बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि उन पापों के प्रभाव से उसकी बोलने की शक्ति खत्म हो गई महाराज। जब गोकर्ण जी महाराज ने जल पड़ के उसके ऊपर छोड़ा तो उसके कुछ पाप कम हुए, तो उसे बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। तब क्या कहने लगा, अहम धाता तुद्योऽस्मि धुंधकारी नाम का। ए भाई, ए भैया, अहम धाता तुद्योऽस्मि धुंधकारी नाम का, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, तुम प्रेत कैसे बन गए? अरे मैंने तो तुम्हारा गया जी में जाकर के पिंड दान किया था, पर यहाँ आकर के तुम प्रेत कैसे खड़े हो गए? गोकर्ण जी की बात को सुनकर के कहने लगा, भैया मैंने छोटे मोटे पाप नहीं किए, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। मेरी मुक्ति गया जी में पिंड दान करने से नहीं होगी, तो कैसे होगी? कि कोई और उपाय सोचिए, आप ही करिए, मुक्ति आपको करनी है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, गोकर्ण जी महाराज ने पिंड दान करने के बाद भी धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई महाराज, बताओ क्यों नहीं हुई? हाँ बाबू जी हो जाओ, क्यों नहीं हुई? नहीं थे सर, कारण ये था कि गोकर्ण जी महाराज